आज मैं समोसे बनाने जा रही हूँ आलू के, और आपको बताती हूँ समोसे कैसे बनते हैं। मेरे एक कटोरी मैदा ली है मैंने, दो भी ले सकते हैं अपन मैदा, जितने का आपके पास सदस्य हों तो उतने के हिसाब से अपन मैदा ले लो, दो ले लो, तीन ले लो। मैंने तो दो कटोरी मैदा ली है और आधा किलो मैंने आलू ले हैं, बॉल कर ले और नीच भी ले हैं। अब मैं समोसे के लिए मैदा गला रही हूँ। मैदा मैंने दो कटोरी मैदा ले ली है, तेल डालती हूँ इसमें छोटे से दो चम्मच तेल, एक चम्मच अजवाइन ली मैंने, आधी चम्मच नमक ली स्वाद अनुसार, मैंने जरा सा नमक ली उसमें। अब इसको आटा जो मोयम डरा है अपना, तब मैं इसको मोयम को मिक्स कर लेती हूँ, अच्छा मिक्स करके अच्छा हो जाएगा सॉफ्ट सॉफ्ट, फिर मैं इसको गलाती हूँ। जो मेरा मिक्स हो गया है मोयम आप देख सकते हो, अब मैं इसको गला लेती हूँ। समोसा को आटा थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट गलाने पड़ता है, बढ़िया मस्त। देखो मेरा सॉफ्ट हो गया है, जो मेरा आटा हो गया इसको मैं थोड़ा सॉफ्ट करवे को रख देती हूँ, एक और सॉफ्ट हो जाएगा 5 मिनट बाद। अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ। अब दोनों मैं आलू को पेस्ट तैयार करती हूँ। मेरे ये बॉईल करे आलू हैं, अब मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको मैं मसल रही हूँ, आलू को मसाला को तैयार कर रही हूँ आलू का। अब मेरे जो मसाले गए हैं, मैं इसमें जीरा पिसा हुआ जीरा डाल रही हूँ। ये कटी हुई दो प्याज, कटी हुई हरी मिर्च 5, कटा हुआ धनिया, एक चम्मच नमक, एक छोटी चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ टेस्ट के लिए डाल सकते हैं, धनिया पाउडर 2 चम्मच, थोड़ी लाल मिर्ची जरा सी, थोड़ी हल्दी। अब मैं इसको मिला लेती हूँ। मेरा मसाला रेडी हो गया है, मैं समोसा बना सकती हूँ। मेरा आटा बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हो। अब मैं इसकी लोई बना के बताती हूँ।
इसको मैदा लगा के सूखी मैदा लेना है और इसको पूड़ियाँ बेलना है अच्छी बड़ी बड़ी। इसमें एक पूड़ी में दो समोसे बनेंगे अपने, सादा सिंपल आइडिया में बताती हूँ। मेरी रोटी बिल गई है, वो ऐसी नहीं बिले तो मैदा लगा लेना और अच्छी बड़ी साइज की बना लेना और इसमें से बीच में से इसे काट लेना। ये रोटी इस टाइप की लेनी है आपको आधी हाफ, फिर ये वाला जो पोर्शन है इसके इसके ऊपर लेके आना है, ठीक है, और इस पर हल्का सा पानी लगाना है और फिर ये इस दिस ये वाला साइड है इसको इसके ऊपर लेके आना है और इसको ऐसा चिपका देना है। यदि ये थोड़ा सा बड़ा रहे तो उसको अंदर साइड फोल्ड कर देना है। फिर इसके बाद इसको अपनी फिंगर्स पे इस टाइप का करना है, उसके ऊपर रखना है। तो ये जो जॉइंट है इसके सामने होना चाहिए, जस्ट इसके सामने होएगा। फिर अपन ये आलू का जो पेस्ट बनाया है अपन ने ये इसके अंदर रख देंगे, जितना जिसमें पेस्ट में आए उतना ही रखना है, ज़्यादा ओवर नहीं भरना, ओवर भर देंगे तो समोसे में से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो जितना हो सके उतना ही रखना, अपन ने भर दिया समोसा। अब इसके कॉर्नर्स पे अपन पानी लगा देंगे और इसको चिपका देंगे। ये पूरे कॉर्नर्स पे पानी लगा देना है और इसको इस पे इससे अटैच करके ऐसा चिपका देना है। तो ये अपना प्रॉपर समोसा रेडी हो गया, कहीं से भी निकलने का कुछ है नहीं, पूरा प्रॉपर रेडी हो गया। अब इसी तरीके से अपन बाकी समोसे भी बनाएंगे। इसकी जो हाफ रोटी थी इसको मैंने पहले से कल रखा था, इसको भी ऐसे ही करेंगे। तो ये जॉइंट कर दिया था मैंने, अब इसके बाद इसमें मैं मसाला भरूंगी। ये मेरे समोसे रेडी हो गए हैं, अब मैं इनको तेल में फ्राई करूंगी। तब मैं तेल गरम करने रख रही हूँ। ये हमारा तेल गरम हो रहा है, खाओ तो कैसा है? तेल गरम होता है फिर हम इसमें फ्राई करेंगे समोसे। तेल एक बार में अच्छा हो जाना चाहिए गरम, फिर इसको मल्टी डाल के अपन तले। ये हमारा तेल रेडी हो गया है, गरम हो गया अच्छा। अब मैं इसमें समोसे डालूँ। गैस मध्य करके मध्य आंच में सेक लेती हूं। जैसे ही हल्का सा ब्राउन हो जाएगा हमारे समोसे बनके रेडी हो गए। Thank you.
आज मैंने समोसे बनाए हैं, सभी को आज मेरे समोसे कैसे लगे। हाँ जी फ्रेंड्स, हमारे ये समोसे पूरी तरीके से बनके रेडी हो चुके हैं। आप सभी को ये समोसे हमारे बनाने की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे और अच्छे वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम रोज़ाना एक नया रेसिपी का वीडियो लाते रहते हैं आप सभी के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई मॉम चैनल मॉम्स मैजिक। थैंक यू सो मच।